ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में सभी पुलिस अधिकारी निष्पक्षता और सकारात्मक सोच के साथ काम करें, ताकि हमारी राजस्थान पुलिस देश में नंबर वन मुकाम पर हो। सीएम गहलोत ने कहा कि किसी भी प्रदेश में विकास और निवेश की स्थिति वहाँ की कानून व्यवस्था पर निर्भर करती है। ऐसे में यह सीधा दायित्व जिला पुलिस अधीक्षकों का बनता है कि वे राज्य में शांति और सौहार्द का माहौल बनाए रखने के साथ ही पुलिस की साफ और निष्पक्ष छवि प्रस्तुत करें। सीएम गहलोत ने अपने निवास से वीसी के माध्यम से पुलिस महानिरीक्षकों और जिला पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक में प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा बैठक की। गुरुवार शाम 4 बजे सीएम आवास पर हुई वीसी की शुरुआत में डीजीपी एमएल लाठन ने 3 साल के प्रदेश के अपराध, ट्रेंड और राजनीतिक कार्रवाइयों के बारे में ब्यौरा पेश किया। आपको बता दें, 2 दिवसीय इस वीसी में कुल 9 बिंदुओं पर चर्चा की जानी है। इनमें गुरुवार को 4 ही बिंदु अवैध हथियार, मादक पदार्थ और अवैध शराब व संगठित अपराध के बारे में प्रेजेंटेशन हो पाया। शेष 5 बिंदुओं पर शुक्रवार को चर्चा होगी। इस प्रक्रिया के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रत्येक जिले के एसपी और पुलिस कमिश्नरेट के प्रभारियों से एक एक कर बात भी करेंगे। इस दौरान सीएम गहलोत ने निर्देश दिए कि सभी जिला पुलिस अधीक्षक कानून का इकबाल कायम करने, अपराधों पर प्रभावी रोकथाम लगाने और पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की दिशा में अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निर्वहन करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुलिस थानों में आने वाले फरियादियों की संवेदनशीलता के साथ सुनवाई करते हुए पुलिस के प्रति आमजन में विश्वास को और मजबूत बनाएं। थानाधिकारी परिवादियों से आसानी से मिले, व्रत सेक्टर और जिला स्तर तक सुपरवाइजरी पुलिस अधिकारी भी सुनवाई का काम गंभीरता से करें। सीएम गहलोत ने कहा कि ऐसे प्रयास हो कि परिवादी को मुख्यमंत्री कार्यालय या अन्य उच्च स्तर तक नहीं आना पड़े। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुनियोजित और संगठित अपराधों पर प्रभावी रोकथाम के लिए आगामी विधानसभा सत्र में कानून लाने की तैयारी करें। सीएम गहलोत ने कहा कि मादक पदार्थों के अवैध कारोबार सहित अन्य संगठित अपराधों से भावी पीढ़ी को बड़ा खतरा है। ऐसे में कानून बनाकर सख्त कार्रवाई की जाना जरूरी है। उन्होंने एसओजी की हेल्पलाइन जल्द बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेशनल हाईवे पर मादक पदार्थों की बिक्री आदि पर भी सख्त कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कुछ प्रकरणों में देखा गया कि अपराध या घटना होने पर सही सूचनाएं नहीं मिल पाई। अधिकारी निचले स्तर तक ऐसा सिस्टम विकसित करे जिससे घटनाओं की सही जानकारी समय पर प्राप्त हो सके और पीड़ित को न्याय दिलाने की दिशा में त्वरित कार्रवाई की जा सके तथा भ्रांतियां नहीं फैले। सीएम गहलोत ने निर्देश दिए कि अवैध हथियारों पर रोकथाम के लिए आर्म्स डीलर के यहाँ स्टॉक की प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।